खबर है रीवा से, जहां रीवा में मेडिकल नशे पर रोकथाम के लिए आज रीवा कलेक्टर सख्त तेवर में नजर आएंगे। कलेक्टर ने दवा विक्रेताओं के साथ हुई बैठक में सख्त तेवर दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि गलती से भी कोई गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा हरगिज ना दे। गौरतलब है कि रीवा जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर निरंतर कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक और जहां पुलिस प्रशासन अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले नशे की खेप की रोकथाम के प्रयास भी किए जा रहे हैं। दरअसल आज रीवा के कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में जिले भर के दवा विक्रेताओं की बैठक कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा ली गई है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि युवा वर्ग को नशे से बचाने के लिए दवा विक्रेता गलती से भी कोई गलती ना करे। बताया गया कि जिन दवाओं का उपयोग नशे के रूप में किया जाता है, उन दवाओं को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना बेची जाए। गौरतलब है कि आज की युवा पीढ़ी मेडिकल नशे की चपेट में आ रही है। नशे के लिए लोग नशीली कफ सिरप, अल्प्राजोलम टेबलेट सहित पेट दर्द की दवा के साथ साथ नशे के इंजेक्शन का भी उपयोग कर रहे हैं। हालांकि दवा दुकानदारों के लिए हमेशा से यह नियम रहा है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन देख कोई भी दवा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि दवा का नाम बताने के बाद लोगों को आसानी से दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल बैठक के दौरान कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दवा विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवा ना बेची जाए और जो दवा नशे के रूप में उपयोग की जा रही है उसका बकायदा रजिस्टर में क्रय विक्रय की एंट्री की जाए। स्थिति है हम लोगों के चुनाव की बैठकों में देखा कि जो इलेक्शन कमीशन से टीम आ रही है उनको भी जब वो लोग लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू करते हैं तो वो सिर्फ मध्यप्रदेश के बाहर की इस चीज का लोगों को अंदाजा है कि प्रोडक्ट्स अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा अपने यहाँ उसका यूज होता है। और उसका कारण ये है कि हम लोग अब तो रीवा दो जिलों में बढ़ गया, नहीं तो हम लोग दो जगह से अपना इंटरस्टेट बॉर्डर भी है इलाहाबाद से और किशन मिर्जापुर से, तो बहुत ही क्रूशियल स्थिति अपनी हो जाती थी। और ये बहुत ही मतलब लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से जितना खराब है उतना ही ये जिले की जो इमेज है वहाँ की लोगों में उसके लिए भी उतना ही खराब है कि कोई हमारे जिले का नाम ले और उसके साथ में ये फॉरेक्स ऐड हो करके चले। तो अभी ये स्थिति है कि जानकारियाँ हम लोगों के यहाँ से मंगती जा रही है, चाहे वो पी एच डी को जा रही है यहाँ से, तो उसमें कार्रवाइयाँ कितनी हो रही है सभी चीज़ें हम लोग भेजते हैं, लेकिन क्योंकि लगातार इस विषय में कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और दूसरा फिर ये भी इस बात पे जोर दिया गया कि सिर्फ कार्रवाइयाँ सब पूरी नहीं होंगी, इसके साथ में ये भी जरूरी है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, आप सभी लोग समझदार लोग हैं, लंबे समय से इस काम में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार जाने में या अनजाने में कोई ऐसी गलतियाँ हम लोगों से ना हो कि हम लोग ये जो नशा वृत्ति है या रीवा में लगातार कोरेक्स की डिमांड के विरुद्ध जो सप्लाई रहती है उसमें किसी